अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा मेथी मटर मलाई, जिसके लिए हमें चाहिए एक पाव मैंने मेथी ली है जिसको मैंने कट कर लिया है, एक कप मटर है, तीन हरी मिर्चें हैं, एक टमाटर लिया है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, तीन से चार लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, एक प्याज ली है उसको मैंने चॉप कर लिया है, चार मैंने काजू लिए हैं और चार ही बादाम हैं, दो टुकड़े अदरक के लिए हैं, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें एक तेज़ पत्ता है, एक बड़ी इलायची है, दो लौंगे हैं, दो काली मिर्चें हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक तेज़पत्ता, टू टेबल स्पून क्रीम, हाफ कप ऑयल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले पैन में मैं टू टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हल्का सा तो मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। लहसुन, अदरक, बादाम और काजू को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इनको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है, ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर एक हरी मिर्च शामिल करेंगे। पाँच मिनट में हमारी प्याज और बाकी चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे दो तीन मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। चलें देखते हैं, दो से तीन मिनट में हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको निकाल लेते हैं। सारा मसाला मैंने निकाल लिया है, अब हम इसको साइड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। सेम पैन में हम टू टेबल स्पून ऑयल और डालेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मेथी डालेंगे। फ्राई करेंगे, इस तरह फ्राई करने से इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है और इसका कलर भी खराब नहीं होता। मीडियम फ्लेम रखी है मैंने। दो से तीन मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको डाल के जार में इसका पेस्ट बना लूंगी। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें,
हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। सेम पैन में हम बाकी का ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म हो जाएगा हमारा, तो गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा और ये साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। फ्लेम मेरी मीडियम ही है। एक मिनट फ्राई करने के बाद मैंने जो ये पेस्ट बनाया था ये इसमें शामिल करूंगी। बादाम और काजू डालने से बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बनता है। टेबल स्पून जितना पानी शामिल करेंगे, मैंने जग में ही पानी डाल दिया थोड़ा सा ताकि हमारा बाकी का मसाला जो इसमें लगा है वेस्ट ना हो। मिक्स करेंगे। इसी भी लाल मिर्च हल्दी डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। धनिया पाउडर, पीली लाल मिर्च और नमक शामिल करेंगे। दो से तीन मिनट मैंने मसाले को भूना है मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें मटर शामिल करूंगी। मैंने मटर को मसाले के साथ हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूना है। अब हम इसकी फ्लेम लो करेंगे और इसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे मटर सॉफ्ट हो जाए। देखते हैं, देखें 10 से 15 मिनट में हमारे मटर अच्छी तरह से गल गए हैं और ऑयल भी साइड में आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें मेथी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। आप मलाई भी शामिल कर सकते हैं इसमें जो हम घर में दूध पे से उतारते हैं। सो मिक्स करेंगे। इसके अलावा गरम मसाला शामिल करेंगे। एक ही हरी मिर्च जो हमने बचा के रखी थी उसको शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। चलें 5 मिनट हो गए, चेक करते हैं। देखें हमारी मसालेदार सी मेथी मटर मलाई तैयार है। कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है और खुशबू भी मेथी की इतनी अच्छी आ रही है। आप चाहें तो इस पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं।
चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितनी मजेदार सी लग रही है। सब बहुत शौक से खाएंगे, आप बनाएंगे तो। ये हमारी मजेदार सी मेथी मटर मलाई तैयार है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट से मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।